के मौके से आप यहाँ रुपसपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं, बहुत पुराने जमाने से आपका नाता रहा है यहाँ से, तो अपने इलाके के लोगों को और देशवासियों को इस मौके से क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि हर साल छठ के अवसर पे मैं अपने गांव में आता हूँ और छठ में यहाँ जो है घाट पे, यहाँ तो पोखरा है, बड़ा सा पोखरा है, इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है और आने वाले दिनों में अगले वर्ष जो है ये दर्शनीय हो जाएगा स्थान पोखरे का। और छठ आस्था का त्यौहार है, यहाँ देखा होगा आपने, हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है मिल के सहयोग करते हैं और बहुत शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों के यहाँ हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। काफी भीड़ भी है यहाँ पे और जगह के बनिस्बत? भीड़ तो अब निकल गई, आप लेट से आए हैं, भीड़ तो बहुत निकल गई, सुबह में आइएगा तब दिखाई देगा। तो यहाँ गांव के लोग ही अपना सारी व्यवस्था करते हैं, सफाई तफाई सब कुछ यहाँ करते हैं और ये अपने मुल्क की खासियत है कि साहब अपना देश जो है अनोखा देश है, यहाँ का मौसम अलग अलग है, ऐसा नहीं है बहुत सारे मुल्क में ठंडा है तो ठंडा ही है, गर्मी है तो गर्मी है, यहाँ ठंडा भी है, गर्मी भी है, बसंत भी है, बरसात भी है, त्योहारों का स्टेट है और उसी तरह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब के जो है अपने अपने त्योहार हैं और यहाँ हमारे पुरखों ने जो विरासत में हम लोग को दी कि एक दूसरे के पर्व में सुख में दुख में शामिल होना, वो उस परंपरा का निर्वहन हम लोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आइंदा भी लोग इसी तरह से एकजुटता से यहाँ पे आएंगे और हर जगह के लोग इसी तरह से मिलजुल के त्योहार करें। जब तक ये छठ होता रहेगा इसी तरह से होता रहेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है और यहाँ तो चीटी तक जो है इधर से उधर नहीं होती। असामाजिक तत्व को क्या संदेश देंगे? अब असामाजिक तत्व कौन है क्या नहीं है समझेंगे नहीं, होते हैं आपसी इत्तेफाक को खत्म करने के लिए ऐसे लोग होते हैं बहुत जगह। भैया ऐसे लोग की समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती है और वो क्षणिक है जी। और मैं जो भाईचारा प्यार मोहब्बत का जो माहौल है जी, जो संदेश है जी, यही वर्षों से चली आई है, अब वर्षों तक चलती रहेगी। सेवन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।